आज हम बात करते हैं जी केमिस्ट्री के हवाले से कि केमिस्ट्री क्या है। ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम मैटर की कंप्लीट स्टडी करते हैं। अब मैटर की कंप्लीट स्टडी से सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर खुद क्या है। हर वो चीज़ जो हमारे आसपास मौजूद है, जो अपना वजन रखती है, यानी कि उसका मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, मैटर कहते हैं। अब जब हम मैटर की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जी उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। जैसे ही मैंने एक लफ्ज का कॉम्पोजिशन, तो हमारे जहन में क्या आता है, ये कंपोज से है वर्ड, और इसका मतलब है कि किसी चीज की बनावट हम देखते हैं, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं कि वो उसमें कौन कौन से एलिमेंट रखता है, यानी कि उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं और कितनी कितनी अमाउंट में हैं। जैसे चले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर H2O की वाटर है हमारे पास, और इसके फॉर्मूले को देखते ही हमें क्या पता चलता है जी, दो एच है और किसके साथ अटैच है, वो एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो प्योर वाटर जहां से भी हम लेंगे, चाहे वो जग ग्लास में हमारा पड़ा हुआ पानी है या किसी पॉन्ड में है, उसमें हमेशा रेशो क्या होगी जी, हाइड्रोजन 2 अमाउंट में होगा, यानी कि उसके दो एटम होंगे और ऑक्सीजन का एक होगा। तो ये है इसकी कॉम्पोजिशन, यानी कि वाटर की केमिस्ट्री कॉम्पोजिशन के हवाले से हमने इस तरह से फाइंड की है। अब दूसरी जो हम मैटर के हवाले से स्टडी करते हैं वो जी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जी, खसूसियात, यानी कि एक चीज दूसरी चीज से किस हवाले से मुख्तलिफ है। जैसे हम कहते हैं कि जी उसकी शेप को चले देख लेते हैं कि एक की शेप जो है वो डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज भी आपके पास दो तरह की होती हैं। अब कौन कौन सी होती है, एक होती है जी फिजिकल और एक होती है केमिकल। फिजिकल जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, किसी की जाहिरी सूरत के बारे में, यानी कि जाहिर के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख लेंगे जी, उसका चलें कलर देख लेंगे। जैसे अगर हम पानी का कलर देखें तो हम कहते हैं उसका कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस है। लेकिन ऑयल वगैरह जो हम घर में यूज कर रहे होते हैं, वो हमें क्या लगते हैं, येलो से कलर के होते हैं, तो उनका कलर है। उसके बाद हम जो चीज देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, वो है ओडोर, यानी कि उसकी स्मेल कैसी है, वो स्वीट स्मेल में है या उसकी स्मेल बुरी तो नहीं है। तो जैसे हम बनाना या एप्पल वगैरह फ्रूट्स होते हैं, वो भी मैटर हैं क्योंकि जगह घेरते हैं और वजन रखते हैं, तो उनकी स्मेल हम देखते हैं तो वो क्या होती है जी, जब जूम के देखते हैं स्वीट स्मेल होती है। इसके बाद जो हम प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे वो है हमारे पास टेक्सचर। और टेक्सचर क्या होता है कि किसी की सतह को हम छू कर देखते हैं या उसको टच करके देखते हैं वो कैसी सतह रखता है। जैसे पत्थर को अगर हम टच करते हैं, स्टोन वगैरह को, तो उसकी सरफेस बड़ी रफ सी होती है। लेकिन आपके पास जो टेलकम पाउडर होता है घर में, उसको अगर हम टच करेंगे तो वो बड़ी उसकी स्ट्रक्चर, उसके टेक्सचर को सॉरी हम क्या कहेंगे जी, वो पाउडर लाइक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो डेंसिटी होती है, यानी कि किसी चीज को हम इस हवाले से देखते हैं कि क्या वो भारी है या हल्की है। इसके लिए हम कंपेयर कर लेते हैं चलें एक टिश्यू पेपर और एक सोप को। टिश्यू पेपर क्या है, लेस डेंस है, बहुत ही हल्का सा है, जबकि सोप जो है वो क्या है, भारी है। दूसरी जो प्रॉपर्टीज आपके पास आ जाएंगी जी, वो है केमिकल। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये करते हैं कि एक मैटर को दूसरे मैटर के साथ कंबाइन करते हैं और वो कोई मुख्तलिफ चीज हमें बनाकर देते हैं नतीजे में। अब होता क्या है कि हम चलें ए एक ले लेते हैं केमिकल, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है या मैटर है। जैसे मैंने इसमें ले लिया पानी, और पानी के अंदर जी हम क्या ऐड कर देते हैं, कोई बी अमाउंट हमारे पास है, जो कि बी हमारे पास मैटर क्या है, चले हम इसको सिरका ले लेते हैं। अब क्या होता है कि क्या पानी और सिरके को मिलाने से कोई मुख्तलिफ चीज बनती है या नहीं, तो अगर वो बन जाए तो उसको हम कह देते हैं सी, और अगर वो नहीं बन रही तो हम जरूर यहाँ पर क्या करते हैं, कोई हीट अप्लाई कर देते हैं या प्रेशर दे देते हैं या इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह दे देते हैं। अब हीट के लिए केमिस्ट्री के अंदर हम क्या साइन, ये मैंने लिखा है जी डेल्टा का साइन हमने रिप्रेजेंट किया। ए और बी दोनों क्या हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जो दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलें और मुख्तलिफ चीज नतीजे में बना के दें, तो उसको हम कहते हैं जी रिएक्टेंट्स। और इसी तरह से जो आप आपके पास इसके नतीजे में बन रही है, टाइम के बाद कुछ आपके पास मुख्तलिफ चीज बनती है, तो उसको हम क्या कहते थे, प्रोडक्ट कह देते हैं। वो भी एक भी हो सकती है, दो भी, और दो से ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, एक बनी है तो हम प्रोडक्ट लिख देते हैं। अगला जो हम मैटर के हवाले से स्टडी करेंगे वो है जी उसका स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर जो है ना, वो हम दो लेवल पे देखेंगे। एक होता है जी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल और एक होता है मैक्रो। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि बड़े लेवल पे अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं, जैसे आइस क्यूब ही होते हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि वो बहुत ही आपके पास खास शक्ल में होता है, उसके
खास एंगल्स बने हुए होते हैं, साइड्स होते हैं, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम आइस क्यूब को यहाँ स्टडी कर लेते हैं, कोई मैटर है और उसको हमने सॉलिडिफाई किया, यानी कि सॉलिड हालत में मौजूद है वो उसकी, तो हम देख लेते हैं कि अच्छा ये वाला एंगल कितना है, ये 90 का तो नहीं बन रहा, और इसकी साइड को देख लेते हैं ये कितनी है साइड लेंथ में। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास मैटर के, उनको जब हम सॉलिडिफाई करते हैं तो उनकी नीडल लाइक इस तरह से शेप बन जाती है, और उसके जब वो सॉलिड फॉर्म हमारे सामने आती है तो हम कहते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है जी, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नीडल लाइक है। और अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो हमारा वास्ता किससे जाके पड़ेगा जी, एटम से पड़ेगा। तो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में ये जान लेंगे कि जी कौन कौन से हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किस किस एटम के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और ये हम देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, और उसके न्यूक्लियस में कितने हमारे पास प्रोटॉन है। तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल में ये फर्क आ गया कि हम यहाँ पर बहुत ही छोटे लेवल पे जा रहे हैं और हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह को देख रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं और उनकी कितनी तादाद है। अब यही सारे के सारे प्रोसेस हम क्या करते हैं जी, एक बहुत ही सादा सा एलिमेंट पे अप्लाई कर देते हैं, चले हम हाइड्रोजन पे अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है जी, H2 के फॉर्म में होता है और गैस फॉर्म में होता है, हवा में मौजूद है। तो इसके फॉर्मूले को देखते ही हमें क्या पता चल जाता है कि जी इसमें 2 H है, तो ये हमें इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में पता चल गया। अब जब इसकी प्रॉपर्टी हम फिजिकल देखते हैं तो इसका कोई कलर नहीं होता, हम कहते हैं ये कलरलेस, यहाँ पर हम लिख देते हैं कलरलेस गैस होती है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इसका कोई ओडोर भी नहीं होता, तो ओडोरलेस ये गैस है, यानी कि कोई इसकी स्मेल वगैरह नहीं होती, और डेंसिटी इसकी बहुत कम होती है, और टेक्सचर चूंकि गैस कोई एक शेप में होती नहीं है तो हम टेक्सचर के हवाले से कोई खास बात इसकी नहीं करते। H2 जो है वो गैस की फॉर्म में अगर हम देखें हमारे पास इन्वायरमेंट में मौजूद है, और इसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट में मौजूद रहती है, तो आया क्या ये दोनों रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बनाती हैं, या कोई नई चीज हमारे पास मुख्तलिफ हो इन दोनों से वो बनाती हैं या नहीं। तो ये हमारे पास अगर तो मुख्तलिफ दोनों बना देती हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वाटर बन गया है और वो लिक्विड स्टेट में होता है, एल मैंने इसके लिए रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी जी, केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसके लिए ये ऐसा नहीं होता कि हवा में दोनों मौजूद हैं और दोनों रिएक्ट कर जाएं, तो हमें क्या देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक शॉक। अब जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या नजर आता है जी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है। तो ये हमने जान ली है जी केमिस्ट्री किसकी, हाइड्रोजन की, जब हमने ये सारे के सारे प्रोसेस अप्लाई किए इस पे। यही प्रोसेस जब हम 92 एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हैं जो हमारे पास क्या है, नेचुरली अकरिंग है, तो उनकी केमिस्ट्री भी हम इसी तरह से मालूम कर